हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए बहुत ही काम का वीडियो लेकर आया हूं। तो ये वीडियो 12 वोल्ट 18 वोल्ट 24 वोल्ट रिले के ऊपर बनाया गया है और ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जो वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा रहा है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दें, हो सके तो व्हाट्सअप फेसबुक ट्विटर आदि पर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए कई प्रकार की रिले होती हैं, जैसे जो 12 वोल्ट की रिले है और ये रिले कंप्यूटर यूपीएस इनवर्टर कलर टीवी आदि में पाई जाती है और ये मार्केट में लगभग 10 से 15 रुपए के बीच में मिल जाती है। और ये रिले 18 वोल्ट 5 एम्पीयर की रिले है और ये आधी किलोवाट से लेकर 1 किलोवाट तक के स्टेबलाइजर में पाई जाती है और ये मार्केट में लगभग 20 से 30 रुपए के बीच में लगभग मिल जाती है। और ये रिले 18 वोल्ट 10 एम्पीयर की रिले है, ये रिले 2 किलोवाट के स्टेबलाइजर में पाई जाती है और ये मार्केट में लगभग 50 से 70 रुपए के बीच में मिल जाती है। और इसके बाद ये रिले 24 वोल्ट 25 एम्पीयर की रिले है और ये रिले 3 से 5 किलोवाट तक के स्टेबलाइजर में लगाई जाती है। ये रिले महंगी रिले है और ये मार्केट में लगभग 150 रुपये से लेकर 200 रुपये तक के बीच में मिल जाती है। देखिए ये महंगी रिले है, ये लगभग 150-200 रुपये की रेले है। तो हम सबसे पहले इसी को रिपेयर करेंगे और जो सस्ती वाली रेले जो है इनमें छोटी मोटी जो फोल्ट आते हैं मैं उनको आपको बताऊंगा। देखिए इन रेले को रिपेयर करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे पास जो भी रेले हैं जितनी उन सभी में जो हमारे 5 पॉइंट हैं, यहाँ से देखो इसमें भी 5 हैं और इसमें भी ये 5 पॉइंट हैं और इसमें भी ये 5 पॉइंट हैं और यहाँ देखोगे तो इसमें भी ये टोटल 5 पॉइंट हैं और जहाँ भी ये 3 जे हैं इसके पॉइंट और 2 जे हैं इसमें 5 पॉइंट हैं। ये जितनी रेले हैं सभी में 5-5 पॉइंट हैं। तो मैं इसको आपको डायग्राम के जरिए समझाऊंगा पहले, उसके बाद रिपेयर करूंगा। देखिए मैं आपको इस मैप से समझाने की कोशिश करूंगा। ये मैंने एक रिले का मैप बनाया है और इसमें हमारे ये 5 पॉइंट हैं, 1, 2, 3, 4, 5। पहला पॉइंट है ये एन सी मतलब नॉर्मली क्लोज और दूसरा पॉइंट है ये एन ओ ये नॉर्मली ओपन और तीसरा ये कॉमन पॉइंट है और ये हमारे 2 पॉइंट जो है ये 18 वोल्ट के हैं, डी से 18 वोल्ट। ये 18 वोल्ट इस कॉइल में आते हैं, हमारी एक कॉइल लगी होती है कॉपर के तार की, एक लोहे का बोल्ट सा होता है उस पर ये तार लपेटा हुआ होता है। तो ये जैसे यहाँ इसमें करंट आता है तो ये इसमें मैग्नेट बनती है, मैग्नेट बनने के कारण यहाँ ऊपर एक पत्ती लगी होती है, ये पत्ती नीचे आ जाती है, नीचे आने के कारण इसका ये करंट यहाँ आ जाता है, मतलब एक कॉमन पर हमारे जो बाहर जा रहा है ये, अब इस टाइम इसमें लाइट नहीं होगी तो ये ऊपर रहेगा और जब इसमें यहाँ सप्लाई दे देंगे तो ये नीचे आ जाएगा ऑटोमेटिक, इसमें मैग्नेट बनेगी, मैग्नेट इस पत्ती को नीचे खींच लेगी तो इसका करंट जो जहाँ की अपेक्षा यहाँ आ जाएगा और ये स्प्रिंग लगी होती है पीछे से खींचने के लिए। अब जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको समझाऊं तो हमारे पास ये 12 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, और इसके बाद ये 12 वोल्ट एलईडी लाइट है। तो हमारे ये प्लस का पॉइंट जो हमने बैटरी के प्लस पर लगा दिया, अगर हम इसके माइनस पॉइंट को माइनस पर डायरेक्ट लगाते तो ये डायरेक्ट लाइट जल जाती, ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या किया, इसमें डायरेक्ट तो लगाया नहीं है तो ये हमारा माइनस वाला पॉइंट जो है रिले के कॉमन पॉइंट पे लगा दिया, यहाँ से आया रिले के कॉमन पॉइंट पे और फिर इसका जो वायर जो है ये अंदर ही इसमें इस पत्ती पे लगा हुआ है और ये यहाँ से यहाँ कनेक्ट है। अगर इसमें लाइट नहीं आएगी तो ये डायरेक्ट लाइट जलेगी और जैसे इसमें सप्लाई आ जाएगी, जैसे हमारी लाइट आ गई यहाँ, तो लाइट आने पर इसमें 18 वोल्ट आएंगे और यहाँ मैग्नेट बनेगी, मैग्नेट बनने के कारण इसकी पत्ती नीचे दब जाएगी, इसका करंट यहाँ से हट जाएगा और आप इस रिले को सोलर पैनल से कनेक्ट करना चाहते हो तो मान लो इसके ये दो वायर हैं, ये प्लस और माइनस, ये 18 वोल्ट के होते हैं इसमें, तो इसका पहला वायर यहाँ लग जाएगा और दूसरा वायर यहाँ लग जाएगा, ट्रांसफार्मर को हटा दें तो जैसे दिन में धूप निकलेगी, धूप निकलने पर ये रिले ऑटोमेटिक काम करने लगेगी। जैसे दिन में धूप निकलेगी तो इसमें 18 वोल्टेज बनेंगे सूरज से और 18 वोल्टेज बनेंगे तो इसमें कॉल में मैग्नेट बन जाएगी, मैग्नेट बनने के कारण इसकी पत्ती नीचे दब जाएगी तो ये लाइट बंद हो जाएगी और इसकी जैसे धूप खत्म हो जाएगी तो इसमें वोल्टेज यहाँ से आना बंद हो जाएंगे, इसकी मैग्नेट खत्म हो जाएगी, फिर ये पत्ती इसकी ऊपर आ जाएगी, यहाँ इसमें मिल जाएगी, फिर ये लाइट चल जाएगी। ये रिले जो है एक ऑटोमेटिक स्विच का काम करती है। देखिए मैं आपको इस रिले को अंदर खोल के दिखा रहा हूँ और इसमें हमारे ये वायर जो लगा है ये कॉमन पर लगा है, कॉमन पर जहाँ से रख के इस पत्ती पर लग गया है और ये पत्ती पर लग के ऊपर इस पर टच हो जाता है, ऊपर पत्ती पर यहाँ सप्लाई जाती है और इसमें जब मैग्नेट बनती है तो ये नीचे दब जाता है, इस तरीका से दबने के बाद जहाँ सप्लाई आ जाती है और इसकी ये कॉइल है और इसमें यहाँ डीसी सप्लाई आती है। मैं इसको आपको चेक करके दिखा दूँ एक बार। देखिए
12 वोल्ट की बैटरी है और इसमें हमने एक सेल और अलग से सीरीज में जोड़ दिया है, तो इसके लगभग 16 वोल्ट के करीब हो गए हैं। तो अब इस रिले को चेक करके देखते हैं एक बार। अब देखिए इसमें हमने दूसरा ये पहला प्लस का वायर लगा दिया और दूसरे पॉइंट पर माइनस का। अब देखिए इस तरीका से काम करती है, अभी मैग्नेट बन रही है तो नीचे आ गई और इसके करंट हटाएंगे तो ये ऊपर आ जाएगी। एक बार इसको मैं आपको जूम करके दिखा दूं, देखिए इस तरीका से काम करती है। यहाँ से में सप्लाई आएगी तो नीचे आ जाएगी और सप्लाई हट जाएगी तो इसकी पत्ती जो ऊपर पहुँच जाएगी। अब इस पॉइंट पर हमने सप्लाई दे दी तो इसका करंट नीचे आ गया इस पॉइंट पर, और इसकी सप्लाई हट जाएगी तो अभी ऊपर करंट आ जाएगा इस पर। और इस रिले में ज़्यादातर ख़राब क्या होता है मैं आपको बता दूं, इस पर अगर मान लो हमने इस पर सप्लाई डीसी के 18 वोल्ट दे दिए तो हमारी ये कॉइल काम कर रही है और इसकी पत्ती ऊपर नीचे चल रही है और फिर भी रिले काम नहीं कर रही, तो इसमें ये पॉइंट होते हैं तीनों, इनमें कार्बन आ जाता है, तो ये हमें इसकी पत्ती यहाँ से उठा के निकाल के इसका ये कार्बन जो पॉइंट का साफ़ करना पड़ता है। इस पॉइंट को किसी रेती से साफ़ कर देंगे दोनों साइड से तो ये काम करने लग जाएगी दोबारा से। और यहाँ भी इसके ये पॉइंट होते हैं, ये दोनों साफ हो जाएंगे, बस इसमें ज़्यादातर यही कमी आती है। और ये 25 एम्पीयर की रिले है, इनमें ज़्यादातर यहाँ कार्बन ही आते हैं, इस पॉइंट पर कार्बन आ जाएगा, इस पर आ जाएगा, इन सभी के कार्बन यहाँ से हटा दें तो रिले सही से काम करने लग जाती है। अगर ये कॉल ख़राब हो जाए तो फिर ये कॉल चेंज करनी पड़ जाएगी, अगर काली पड़ जाए जल जाए तो फिर चेंज करनी पड़ती है। और वैसे ये मार्केट में बहुत कम मिलती है, अगर आप इसको बनाना चाहोगे तो ये 38 नंबर वायर से बन जाती है।